हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम होमगार्ड की बारे में बात करेंगे। जिन अभ्यर्थियों का गलती से या फिर किन्हीं कारणों की वजह से फिजिकल नहीं हुआ और नियत डेट को वो नहीं पहुंच पाए फिजिकल में, तो उनको एक मौका दिया गया है। फिलहाल अभी बात करेंगे। और साथ ही चंपावत और पिथौरागढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा जल्द ही। यदि आप बेरोजगार युवा हैं तो जल्द आप प्रतिभाग कर सकते हैं। साथ ही अग्निवीर भर्ती जो है 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, और संविदा भर्ती यदि आप इच्छुक हैं करने के लिए तो 18 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। पूरी जानकारी वन बसा में 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक चलेंगी अग्निवीर भर्ती रैली, ठीक है। जिले की बनबसा यानी चंपावत में है स्थित सेना परिसर में 1 से 8 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक आप सूचित कर सकते हैं कि जो ये भर्ती होने वाली है चंपावत और पिथौरागढ़ युवाओं की होने वाली है, और कहाँ होगी? बनबसा में होगी। भर्ती रैली को लेकर बुधवार को जिला कार्यालय सभागार में DM नवनीत पांडे की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ से आए कर्नल राहुल मैलेंगे ने बताया कि पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन बनबसा मिलिट्री स्टेशन ग्राउंड में किया जाएगा। तो जो इच्छुक कैंडिडेट्स हैं चंपावत और पिथौरागढ़ के, तो 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक भर्ती कार्यक्रम चलने वाला है। तो आप जरूर सूचित कीजिएगा जो भी आपके नियरेस्ट में भर्ती की तैयारी करते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बागेश्वर का जो है फिजिकल लगभग 22 सितंबर से स्टार्ट हुआ, 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 22 सितंबर को समाप्त तो होने वाला है, कल की डेट में समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे सूचित किया गया है कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड बागेश्वर की तरफ से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 12/9/2023 से 22/9/2023 तक पुलिस लाइन मालता बागेश्वर में गतिमान महिला होमगार्ड भर्ती में किसी अपरिहार्य कारणों से भर्ती में अनुपस्थित रहने वाली महिलाओं को अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी शारीरिक मापजोक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा 23/9/2023 को आपकी कराई जाएगी और ये 7 बजे से होगी आपकी, ठीक है। भर्ती स्थल आपका वही रहेगा, पुलिस लाइन मालता बागेश्वर में संपन्न कराई जाएगी। इसमें अनुपस्थित रहने के कारणों के साक्ष्य आपको देने होंगे, क्या कारण था उसका एक सबूत या फिर अमेंडमेंट देना होगा, एवं अपनी समस्त जो मूल प्रमाण पत्र सहित उक्त तिथि को निर्धारित समय पर भर्ती स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के बाद अभ्यर्थी को भर्ती हेतु कोई अवसर यहाँ पर प्रदान नहीं किया जाएगा। जिला होमगार्ड्स कमांडेंट बागेश्वर, ठीक है। तो ये भर्ती यहाँ पे आपकी कराई जाएगी, लास्ट फाइनल भर्ती रहेगी बागेश्वर की, और आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जो आपने आवेदन फॉर्म में संलग्न करे थे, और साथ ही कारण भी बताने हैं कि आप भर्ती स्थल पर नियत तिथि को ना क्यों नहीं पहुंचे थे, उसका एक कारण बताने हैं आपको। साथ ही जो एनी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि रुद्रप्रयाग हो गया, अल्मोड़ा हो गया, चंपावत हो गया और पिथौरागढ़ हो गया, यहाँ पे भर्ती जल्द होंगी। और जो है 5 अक्टूबर से तो खैर इसकी डेट निर्धारित की गई है, किसकी? रुद्रप्रयाग जनपद की। रुद्रप्रयाग जनपद के बाद अन्य जनपदों की होगी, जैसे अल्मोड़ा का नंबर आएगा उसके बाद आएगा आपका चंपावत का आएगा, फिर उसके बाद पिथौरागढ़ का आएगा, ठीक है। तो आप फेसबुक पेज में आपको बता रखे हैं तो वहाँ से आप समय समय पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल 5 अक्टूबर से रुद्रप्रयाग में होने वाले हैं और इसका तो नियत तिथि और प्लेसेस है अभी कोई निर्धारित नहीं किया गया, जैसे ही अपडेट होता है मैं जानकारी दे दूंगा और आप अपने स्तर से भी तैयारी या फिर चेकआउट कर सकते हैं। और अगला जो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज आ रही है वह है विज्ञप्ति है हमारी, जो कि कार्यालय जिला संयोजन अधिकारी बागेश्वर में ये निकली है भर्ती। तो इसमें देखिए, बागेश्वर में जिला संयोजन कार्यालय बागेश्वर ये स्थान है जहाँ पर अपेंटिस भर्ती रैली का आयोजन 10 बजे से किया जाएगा। 23 सितंबर 2023 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाने वाला है। निम्न कंपनियों की प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, इनके द्वारा निम्न पदों के लिए साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, इंटरव्यू होगा आपका, और इस हेतु निम्न साक्षर योग्यता धारक इच्छुक बेरोजगार अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र और छाया प्रतियों और बायोडाटा के साथ आपको रोजगार मेले में स्वयं के BI पर प्रतिभाग कर रोजगार के लाभ का अवसर उठा सकते हैं। तो प्रतिभागी कंपनी का नाम है कैंप 108 इमरजेंसी सर्विस देहरादून, ठीक है। पद नाम रहेगा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, 25 पोस्ट रहेंगे। उसके बाद ड्राइवर के 25 पोस्ट रहेंगे, जो यहाँ पे इमरजेंसी में जो मीडियम टेक्नीशियन के जो 25 पोस्ट हैं इसके लिए डी फार्मा, बी फार्मा, GNM या फिर ANM कोई भी आपका यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है।
उसके बाद ड्राइवर के लिए 8th पास विद हिल हैवी लाइसेंस होना चाहिए आपका ड्राइविंग का, और आपको वेतनमान मिलेगा यहाँ पे यदि आप डी फार्मा बी फार्मा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए करते हैं तो 14,693 मिलेंगे। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ड्राइवर हेल्थ केवल ड्राइवर के लिए केवल पुरुष कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और 14,590 रुपये यहाँ पर ड्राइवरों को मिलेगा। और आयु सीमा 18 से 42 के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रोजगार मेले की में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थी अपना पंजीकरण नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल यानी www.ncs.gov.in पर अनिवार्य रूप से करें, तभी आप उस मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इच्छुक हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। 25-25 पोस्ट हैं तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यदि आपके पास डी फार्मा बी फार्मा कोई भी है या फिर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक लेटेस्ट भर्ती सामने आ रही है जो है रिक्त पदों का विवरण देख सकते हैं। अवर अभियंता की पदों की संख्या 5 रहेगी और वैज्ञानिक सहायक की 5 पद रहेंगे और प्रयोगशाला सहायक के 4 पद और अनुसरण सहायक के भी 4 पद रहेंगे। यदि हम बात करते हैं अवर अभियंता की तो यहाँ पर जो लेवल रहेगा आपका वेतन का वो 6 की अकॉर्डिंग रहेगा, वैज्ञानिक सहायक का भी 6 के लेवल रहेगा, लेवल 2 के अकॉर्डिंग प्रयोगशाला सहायक का, लेवल 2 के अकॉर्डिंग अनुसरण सहायक का रहने वाला है। यदि हम बात करते हैं साक्षात्कारता और अनुभव इत्यादि का विवरण बोर्ड की वेबसाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही वहाँ से आप आवेदन फॉर्म और कौन कौन से प्रपत्र इसमें लगाने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ से एक प्रारूप को डाउनलोड करके डाक के माध्यम से अपने आवेदन फॉर्म को प्रेषित कर सकते हैं। ये आरके भर्ती आपकी उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में निम्न तालिकाओं के स्तंभ 2 में निर्देशित रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु अनुभवी अभ्यर्थियों से निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो ये प्रतिनियुक्ति जो होगी आपकी 2 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, 2 वर्ष के लिए ये कराई जाएगी। उपरोक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन विभागाध्यक्ष की अनापत्ति सहित दिनांक 15/10/2023 तक आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, सदस्य सचिव उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46B IT पार्क सहसधारा रोड देहरादून के कार्यालय में पंजीकृत डाक कोरियर या फिर व्यक्तिगत रूप से आप उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर 15 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल कर देना है। यदि आप इनके लिए एलिजिबल हो तो आप ज़रूर फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भर्ती आई हुई हैं। यदि आप बागेश्वर के निवासी हैं तो आप होम यहाँ पर जो रोज़गार मेला चल रहा है ड्राइवर और डी फार्मा बी फार्मा कैंडिडेट्स जो धारी हैं डिग्री धारी हैं तो उनके लिए एक बेस्ट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, तो आप ज़रूर इसके लिए फॉर्म को फिलअप करिएगा। साथ ही जो है अग्निवीर भर्ती जो है 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक स्टार्ट होने वाली है। साथ ही यदि आप फिजिकल की बारे में बात करना चाहते हैं तो फिजिकल डेट जो है अनेक जिलों में परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे ही परिवर्तन डेट या फिर एक संशोधित डेट सामने आती है तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट होमगार्ड फिजिकल के रिगार्डिंग दे दूंगा। फिलहाल आज की जानकारी इतनी ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।